हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेडिक एंटरटेनमेंट में। मैं हूं आपके साथ आस्था चावला। बॉलीवुड में सीक्वल बनने का तो रिवाज सा ही हो गया है आजकल। हर कोई अपने फिल्म का सीक्वल बना रहा है, तो बॉलीवुड के बिगेस्ट फिल्म मेकर करण जौहर कैसे पीछे रह सकते हैं? आइए एक बार फिर आपको ले चलते हैं कुछ और एंटरटेनिंग खबरों की तरफ। तो करण जौहर भी साल 2008 में आई अपनी सुपरहिट फिल्म दोस्ताना का सीक्वल बनाने का फैसला कर चुके हैं। साल 2008 की प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म दोस्ताना के सीक्वल का ऐलान कर चुके हैं। करण ने इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने का फैसला किया है। इस फिल्म का नाम दोस्ताना पार्ट 2 रखा गया है। वैसे तो इस फिल्म को लेकर पिछले काफी टाइम से चर्चा हो रही थी। 11 साल बाद फिल्म के सीक्वल की घोषणा ने मानो पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है, क्योंकि साल 2008 में आई फिल्म दोस्ताना ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। दोस्ताना वैसे वही फिल्म है जो पहली बार एक गे सब्जेक्ट पर बनी थी, जिसने भारत में इस प्रथा को चलाया था और लोगों को समाज की इस छुपे चेहरे से रूबरू कराया था। दोस्ताना से पहले गे सब्जेक्ट पर बात करने से भी लोग डरते थे और हमारे देश में न जाने कितने लोग इस बारे में जानते तक नहीं थे। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट साबित हुए थे, लेकिन मादा लाडला बिगड़ गया गाने ने तो सभी को अपना दीवाना बना दिया था। ये गाना आज भी फैंस की जुबान पर है। पिछले काफी टाइम से इस फिल्म की कास्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, जिसे अब खुद फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर रिवील कर चुके हैं। करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर कर इस फिल्म की कास्ट से पर्दा उठा दिया है। इस फिल्म में सोनू के टीटू की स्वीटी फेम एक्टर कार्तिक आर्यन और फिल्म धड़क से बॉलीवुड में कदम रखने वाली बोनी कपूर और श्रीदेवी की लाडली जानवी कपूर को फिल्म में कास्ट कर लिया गया है। लेकिन अभी फिल्म के दूसरे एक्टर की खोज पूरी नहीं हुई है। इस फिल्म के साथ करण जौहर एक नए हीरो को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा एक नए डायरेक्टर कॉलिन डी कुन्हा को दे दिया गया है, जो इस फिल्म के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। करण जौहर इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिसका नमूना करण ने वीडियो के साथ लिखे कैप्शन में दिया है। करण ने लिखा है कि वो कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर के साथ फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के साथ ये कार्तिक आर्यन की पहली फिल्म है। कार्तिक से पहले दोस्ताना 2 के लिए राजकुमार राव का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब इस रोल के लिए कार्तिक आर्यन का नाम फाइनल हो गया है। इसी के साथ करण ने ये बात भी साफ कर दी है कि वो इस फिल्म के दूसरे हीरो के लिए किसी न्यू कमर की तलाश कर रहे हैं, जो जल्द ही इस तिगड़ी को पूरा करेंगे। करण जौहर ने अभी तक बहुत सारे स्टार किड्स को बॉलीवुड में लॉन्च किया है, जिसे देखने से ये लगता है कि इस बार भी करण किसी स्टार किड को ही अपनी फिल्म दोस्ताना 2 में लॉन्च करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।